द लेजेंड इज बैक, मतलब लोगों ने इसको किलिंग मशीन नाम दे दिया था। 2023 में ये गाड़ी लेना वर्थ है कि नहीं? सो हेलो एंड वेलकम टू द चैनल गाइस, मेरा नाम है शादाब और आप देख रहे हैं मुसाफिर। तो आवाज काफी क्रिस्प आ रही होगी क्योंकि हम लोग ने कुछ चेंज किया है। तो ये है वो माइक जो अंदर है, थोड़ा बहुत अपग्रेड करना जरूरी था। तो अब बात करते हैं आज का व्लॉग क्या है, और थैंक यू आप सबको क्योंकि आप लोगों ने जो बेनेली वाली वीडियो सेकंड वीडियो पे जो प्यार दिखाया है, 1K पार करी है वीडियो। ऐसा ही प्यार हर वीडियो में दिखाओ कि वो 1K पार करे हमारी, तो हमको ऐसा मतलब लगे कि नई वीडियो बनानी चाहिए। और अब बात करते हैं आज की वीडियो जो है ये पल्सर 220 द लेजेंड इज बैक, मतलब पुरानी जो गाड़ी थी जिसने कल्ट एक बनाया है, जिससे जो रेसिंग की दुनिया के जो बेताज बादशाह हमारे अमन, तो उनके जैसे लोगों को 220 बड़ी पसंद थी क्योंकि 220 उस जब ये आई मैं उस टाइम पे इससे फास्टेस्ट बाइक कोई नहीं थी। करिश्मा थी बट करिश्मा इसको नहीं बीट कर पा रही थी उस टाइम पे क्योंकि ये फुल इंजेक्शन में आया था इसका फर्स्ट जनरेशन। उसके बाद इसको थोड़ा डाउन किया क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हुए थे इसके, बहुत सारे लोग मरे थे इस गाड़ी से, तो लोगों ने इसको किलिंग मशीन नाम दे दिया था। इस करके इसको कार्बोरेटर में लेके आए और फिर इसका थोड़ा पावर डाउन हुआ। अब बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की। सबसे खतरनाक और सबसे पहली चीज जो इसकी सबसे ज्यादा पसंद आने वाली है लोगों को, वो है इसकी टेल लाइट, क्योंकि एकदम क्रिस्टल एलईडी ये दे रहा है 2012 से, पहले जनरेशन 2011 सॉरी पहला जनरेशन से ये वाली टेल लाइट दी है। ये इंडिकेटर तो अपने KTM वाले है बट इसमें लगा दिए। ये हमारे आरिफ भाई की गाड़ी है, आरिफ भाई बोल लो, मुस्तफ़ा भाई बोल लो, ऐसा कन्फ्यूजन है। मैं उस तरफ इसके लिए देख रहा हूँ क्योंकि जो बैठा है, जरा कैमरा में फोकस करो कौन बैठा है। तो बस हो गया सेट, इधर आ जाओ। तो अब बात करते हैं इसका पावर। ये अपने 8,500 RPM पे मैक्स पावर प्रोड्यूस करती है 20 HP का, और इसका 18 Nm का टॉर्क है जो इसके वेट और पावर टू वेट रेशियो में सबसे बेस्ट बैठता है। और सबसे लंबा है इसका व्हील बेस, इसके वजह से ये गाड़ी कट मारने में ना एकदम बेस्ट है। ये राइडर स्टिप थी। अब बात करते हैं इसका मतलब इसमें क्या है इसका इंजन, मतलब ये है 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड नहीं है, ऑयल कूल्ड है क्योंकि इसका रेडिएटर है इसमें छोटा, बट वो ऑयल कूलिंग के लिए, इसमें वो नहीं है कूलेंट कूलिंग नहीं है। आ जाओ दिखाता हूँ, ये देखो ये लिखा है ऑयल कूल्ड, और इसका वो दिखाता हूँ तुमको मैं रेडिएटर, ये है ऑयल कूल्ड का रेडिएटर। ये रही उसकी दो पाइप जो इंजन से कनेक्टेड है, इसमें गर्म ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ जाता है, फिर ठंडा होने के बाद वापस अंदर, तो ये साइकिल ऐसे चलते रहती है जिस वजह से इसका इंजन कूल रहता है। बाकी ये गाड़ी थोड़ी पुरानी हो गई है इस वजह से ऐसी दिख रही है। और अब बात करते हैं इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो इसमें लगा है ये जो है डबल बबल वाइजर, और इसकी पायलट लैम्प जो है ये वाइट पायलट लैम्प, ये एकदम डीमन दिखती है ना गाड़ी दूर से देखो। वैसे आप लोगों को इसका सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा, कुछ खास हुआ नहीं है क्योंकि 2 दिन हुए है गाड़ी लेके। तो ये रही इसमें जो एक छोटी सी मॉडिफिकेशन थी ये वाली वाइजर, बस बाकी तो गाड़ी पूरी स्टॉक है। और इसका ड्रैग रेस देखना हो आप लोगों को तो हम लोग ने हमारी पुरानी वाली वीडियो में इसका ड्रैग रेस किया है ये गाड़ी का, RS 200 का और Duke 200 का, तो ज़रूर से जाके देखना। और बाकी बात करते हैं इसका फ्यूल टैंक, वो है 15 लीटर का, और जो कंपनी क्लेम करती है इसका माइलेज वो है 40 का, बट हम लोग इससे 41-42 ज़्यादा निकाल सकते हैं क्योंकि ये कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर में आराम से फ्यूल इकोनॉमी कंट्रोल हो जाती है क्योंकि उसका मिक्सचर का भी अपन कंट्रोल करते हैं ना उसको, और अच्छा परफॉर्मेंस भी निकाल सकते हैं कार्बोरेटर से। अब आते हैं सीधा इसका मीटर कंसोल पे। तो 2011 से जब से इसका फर्स्ट जनरेशन आया था, जब ये फुल एक ही कलर में आती थी, ज़्यादा ग्राफिक नहीं थे, उस टाइम से सेम इसका ये मीटर कंसोल। तो दिखाता हूँ आपको और बताता हूँ क्या क्या है मीटर में। ये हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल जैसे अपनी RS में है, सेम टू सेम वही है। अभी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या क्या है। तो ये रहा इसका RPM मीटर जो एनालॉग है, ये एनालॉग में है, और जो बाकी का है वो सारा डिजिटल में, जैसे कि ओडोमीटर डिजिटल में, ट्रिप मीटर डिजिटल में, स्पीड अपन डिजिटल में देखते हैं, साइड स्टैंड इंडिकेटर पेट्रोल का। और इसमें जो है ये टेम्परेचर जो गेजेस है, यानी कि ऑयल का गेज है, ये हाई टेम्परेचर हाई इंजन टेम्परेचर है, ये RPM की लिमिट है, ये इंडिकेटर है, ये हाई बीम, अगर हाई बीम मारेंगे तो ये हाई बीम का लाइट है। अब बात करते हैं इसकी हेडलाइट में। तो इसकी एक हेडलाइट है लेंस प्रोजेक्टर लेंस, और दूसरा है नॉर्मल हेलोजन वाला सादा रिफ्लेक्शन।
मतलब एक रिफ्लेक्टर लैंप है और एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर जो हाई बीम है। तो ये है इसका कुछ स्पेसिफिकेशन, ये आती थी नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ। तो थोड़े पॉइंट्स ऊपर नीचे हो गए होंगे तो आप लोग थोड़ा संभाल लेना। अब बात करते हैं कि इसका एग्जॉस्ट साउंड कैसा साउंड करता है, मतलब एग्जॉस्ट नोट कैसा साउंड करता है, तो सुनो एग्जॉस्ट नोट। गाइस अब सुनो इसका साउंड। हमारे नए वाले, हाँ ये तो कुछ था इसका साउंड जो सुना आपने इस वाले माइक से, तो ये हमारी एक पहली अचीवमेंट है। अरे भाई रुक जा, बुरबुर मत कर। और इसके टायर का भी स्पेसिफिकेशन है कि 100 सेक्शन का आगे है और 130 का पीछे, 130-120 का पीछे, 130 सेक्शन का टायर पीछे है। ये देखो ये रहा 130 सेक्शन, 130 70 17 इंच का एलॉय है, ट्यूबलेस। और फ्रंट में भी आप लोग को दिखा, आगे फ्रंट का 90 का है, सॉरी मैंने 110 बोल दिया, 90 90 17 का फ्रंट का टायर है। इसका स्विंग आर्म बॉक्स टाइप है, फ्रंट रेयर दोनों डबल डिस्क है विदाउट एबीएस। ये 2017 वाला मॉडल है, इसके लिए इसका कलर ग्राफिक ऐसा है। तो यही कुछ थी अपनी वीडियो। और बात रही कि 2023 में ये गाड़ी लेना वर्थ है कि नहीं, वैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं कि हम लोग के पास जो ये गाड़ी आई है ये कितने की है तो आप लोग विश्वास नहीं करोगे। तो गाइस ये जो गाड़ी का प्राइस है वो ऐसा अप्रॉक्स तो नहीं बता पाऊंगा, बट एक हिंट दे देता हूँ कि हम लोग ने इसको 30,000 के अंदर लिया, आप समझ लो 30 के अंदर 25 के ऊपर ऐसे बीच में उसके उसी एक ब्रैकेट में है इसका प्राइस। तो वैसे तो सही था। बाकी कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं ऐसी अगली नई वीडियो में, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज को लेके या तो ड्रैग रेस को लेके जो भी होगा आपको अगली वीडियो में जरूर मिले। तो गाइस अपने छोटे छोटे सब्सक्राइबर मिले थे तो कुछ बोलेंगे आपसे, तो जरा सुनो क्या बोलोगे दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो दबा के लाइक शेयर करो। और ये अमान के दोस्त यार है, सब मिलने आए थे अमान से, तो हमारे से भी मिले तो मिल के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत मजा आया आप लोगों से मिल के, बहुत मजा आया। तुम लोग भी करना लाइक शेयर सब्सक्राइब, नहीं तो मालूम पड़ा बोल के चले गया वहाँ किया ही नहीं। तो भाई मिलते हैं अगले नए व्लॉग में, जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग भी करो और मुसाफिर के लिए दुआ करो। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में।